ఢిల్లీలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें. दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट. आपको याद होगा कि जो वैली की तीन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा को वोट के माध्यम से आगाज किया. जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना. आपको यह भी याद होगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की थी. द इलेक्शंस विच वी से शुड बी इंक्लूसिव. एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेट ए फुल चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस. तो हमने इनको सरलीकरण किया था उस समय में, जो इस समय भी जारी रहेगा. क्या किया था कि फॉर्म एम को हमने रिलैक्स किया था और कुछ बहुत ही कंबरसम प्रोसेसेस थे जिसमें सेल्फ अटेस्टेशन की आवश्यकता होती, जिसमें ऑथराइजेशन कराने की आवश्यकता होती थी, उसको सेल्फ अटेस्टेशन पर लेके आए थे. उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिले और लोगों ने बढ़ चढ़ के, माइग्रेंट्स ने भी हिस्सा लिया. ड्यूरिंग द इलेक्शंस रीपोल्स की घटना जीरो थी, कोई मेजर इंसिडेंट वायलेंस की नहीं थी. और आपको यह भी याद होगा जैसे पूरी कंट्री में अभियान चला के सीजर्स के बारे में व्यवस्था की गई थी ताकि कोई इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हो सके. जेएंडके में भी क्लोज टू 100 करोड़ का सीजर हुआ था और इस बार भी हम बहुत स्ट्रांग कह के आए हैं कि किसी को भी इंड्यूसमेंट करने देने की छूट नहीं देनी चाहिए. आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल लेटर. सो इफ वी नाउ कम टू दी चेन के फर्स्ट, देर आर टोटल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 74 आर जनरल, एससी आर 7 एंड एससी आर 6, एसटी आर 9 एंड एससी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है. अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो जेएंडके में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे. बड़ी अच्छी स्टोरी यह भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख. और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 लाख एंड अबव वुड बी दी यूथ, एंड वी वांट टू फोकस ऑन यूथ एज आर एम्बेसडर्स ऑफ आर इलेक्शंस. रोल इलेक्टोरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रूल भी पब्लिश हो जाएगा. सो इट हैज बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस टू सिंक्रोनाइज एवरी एक्टिविटी इन ए वे दैट वी डू नॉट मेक एनी डिले इन डूइंग इलेक्शंस इन जेएंडके. एंड दिस इज व्हाट वी अनाउंस्ड इन जेएंडके इन जम्मू when we were there in March. ये publication 20 को हो जाएगा, सभी political parties को इसकी copy electoral roll की उपलब्ध कराई जाएगी. अगर polling stations के बारे में देखें तो total polling stations J&K में 11,838 होंगे, जिसमें locations होंगी, जिसमें एक जगह पर दो या तीन भी बूथ हो सकते हैं. तो total locations would be 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे. सो प्रीडोमिनेंटली इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एरिया. एवरेज वोटर्स पर पीएस वुड बी अराउंड 735. और हम जैसे हर बार करते हैं, यहां भी वीमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और
और मॉडल पीएस बनाएंगे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं, लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब करीब 360 होंगे। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस वहां किस प्रकार के हैं, नायाब हैं। जैसे अगर आप देखें तो कोराबल पोलिंग स्टेशन है, 100% एसटी पॉपुलेशन, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द बॉर्डर एंड यू विल बिलीव द टर्नआउट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 80%। सो बिल्कुल सरहद पर है और 80% पॉपुलेशन है। ऐसी अगर देखेंगे जस्ट ए फ्यू ग्लिम्सेस, अदरवाइज हर पोलिंग स्टेशन अपने आप में एक तस्वीर बयां करता है। जब चुनाव होंगे तो आपको दिखाएंगे, हमने वेबसाइट पे पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि आपको लाइव फोटोज गैलरी HD में हम आपको लोड करेंगे, वहां पर आप जब चाहें जब उस स्टॉक को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था और कितने लोगों के वोट लेने जाता है, सिर्फ 3 लोगों के। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शंस। चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस, तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ड कर रहे हैं, देवर एक्शन ओवर एपैथी। लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। पीपल वर देयर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, द लॉन्ग क्यू, द शाइन ऑन देयर फेसेस वर टेस्टामेंट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। देयर वाज अ बिलीफ ओवर सिनिसिज्म, देयर वाज थ्राइविंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन एंटायर इलेक्शन, देयर वाज इंटेंस कैंपेनिंग। These are the positives, a bit of change in the security scenario also since then. So what do we want? We want that the layers of democracy are strengthened in J&K. What does that mean actually? ये मतदाता बढ़ गए, ये एक aspect है, percentage of voting increase, this is one aspect of strengthening of democracy. कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कैंडिडेट बने, दिस इज अनदर एस्पेक्ट, ये अलग आयाम है। लोगों की इच्छा है कि वो पार्टिसिपेट करें, कितने लोगों ने रैलीज निकाली, कितना प्रोसेशंस हुए, कितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई, कितने लोगों ने सी विजिल पे शिकायत की, कितने लोगों ने सुविधा से एप्लीकेशंस दी, ऑल दीज आर एस्टेब्लिशिंग लेयर्ड बाय लेयर roots of democracy in the J&K, and what therefore we expect that there would be more voters this time again. और ये सब ने हमें ये एहसास कराया कि लोगों में एक उत्साह है और वोटिंग के प्रति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वोट्स पड़ेंगे, वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी। कैंपेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए। फेस्टिव एनवायरमेंट, मोर यूथ पार्टिसिपेशन, मोर कैंडिडेट्स, मोर यूज ऑफ IT एंड वाइब्रेंट पोलिंग स्टेशन। सो वी एस्टैब्लिश एवरी डायमेंशन ऑफ द डेमोक्रेटिक फेस्टिवल इन द स्टेट इन एवरी लेयर वेयर एवर इट इज पॉसिबल। जो बुनियाद वहां बनाई थी 2024 में इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान, अब उस फाउंडेशन पर इमारत बनाने की पूरी तैयारी है। एंड वी आर वेरी एंथ्यूज टू सी दिस। एक्चुअली आई रोट ए फ्यू लाइन एंड आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू द यूथ ऑफ J&K। सुनाता हूं आपको, ये खासतौर से वोटर्स ऑफ J&K एंड पर्टिकुलरली यूथ, लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल यानी जमहूरियत की कहानी, रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। दिस इज एंड बिलीव मी,
बिलीव मी ऑल ऑफ अस व्हेन वी वेंट देयर वी बिलीव इन दिस एंड देयरफॉर वी मेड ए वेरी बोल्ड स्टेटमेंट दैट कम व्हाट मे इलेक्शंस इन जे एंड के वुड बी वेरी वेरी डेमोक्रेटिक फ्रेंड्स कमिंग टू हरियाणा वी आर अनाउंसिंग इलेक्शंस फॉर हरियाणा ऑल्सो हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं जनरल 73 एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्थ